हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएचयू पाठशाला। लूसेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज़ का ये हमारा प्रैक्टिस सेट टू है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन था, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन जो होता है वो ईपिग्राफी कहलाता है। तो फिर चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पीरियड विच डज नॉट हैव अ रिटन डिस्क्रिप्शन? जिस काल का लिखित विवरण ना हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या है, इतिहास, आद ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल। इतिहास जो है वो किसे कहते हैं? जिस काल का लिखित विवरण हो प्लस जिसको हम पढ़ भी सकते हैं उसको इतिहास कहते हैं, और आद ऐतिहासिक काल जो है उस काल को कहते हैं जिसका लिखित विवरण तो हो परंतु उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, और प्रागैतिहासिक काल उसके बोलते हैं जिसका लिखित विवरण ना हो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, प्रागैतिहासिक काल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दिस वाज इन्वेंटेड इन द पैलियोलिथिक पीरियड? ऑप्शन है पहिया, आग, कृषि। फ्रेंड, जो पहिया और कृषि जो है इनका दोनों का आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल में होता है। कब होता है? नवपाषाण काल में। और आग का जो आविष्कार होता है वो पूरा पाषाण काल में होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आग। आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीस मेटल वॉज फर्स्ट यूज बाई मैन? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन में है लोहा, तांबा और सोना और चांदी। मनुष्य ने सबसे प्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर है तांबा। तांबा का जो है सर्वप्रथम यूज जो है वो मैन के द्वारा किया गया था। लोहा जो है, लोहा का आविष्कार जो है उत्तर वैदिक काल में होता है। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच वॉज द ओल्डेस्ट क्रॉप एडॉप्टेड फॉर एग्रीकल्चर? कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? ऑप्शन में है गेहूं, चावल, जौ, वन और थ्री दोनों। फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन में वन और थ्री दोनों नहीं होता तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो गेहूं होता, लेकिन हमारे ऑप्शन में वन और थ्री दोनों हैं तो इसका करेक्ट आंसर गेहूं और जौ यानी कि ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द इंदुस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, रॉबर्ट ब्रोसफुट, रखालदास बनर्जी, राय बहादुर दयाराम सैनी और रंगनाथ राम। एक एक करके हम सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहले रॉबर्ट ब्रोसफुट, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1863 में पूरा पाषाण काल के औजारों का खोज किया था। किस चीज़ का? औजारों का। और रखालदास बनर्जी जो हैं वो 1922 में जो हैं वो मोहन जोदड़ो की खोज करते हैं, और राय बहादुर दयाराम सैनी जो हैं वो सिंधु सभ्यता की खोज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? राय बहादुर दयाराम सैनी। सिंधु सभ्यता, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता है, रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी के अनुसार इसका जो डेट बताया गया है वो कितना बताया गया है, 2500 से 1750 BC। और सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। किस तरह की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। और सिंधु सभ्यता के युग को क्या बोलते हैं? कांस्य युग भी बोलते हैं, यानी कि ब्रोंज एज भी बोलते हैं। और सिंधु सभ्यता में जो घर बनाने की जो पद्धति थी, तरीका थे, यानी जो वो क्या थी, ग्रिड पद्धति थी, ग्रिड पद्धति। और सिंधु सभ्यता समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था। और कुबड़ वाले जो सांड होते थे उसको ये लोग पूजनीय मानते थे। और पर्दा प्रथा भी जो है वो सिंधु सभ्यता में इसका प्रचलन था।
और सिंधु सभ्यता जो है उसमें जो लेखने की जो सॉरी लिखने की जो तरीके थे वो दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, ऐसे लिखा करते थे वो लोग। पहले क्या करते थे, दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, ऐसे वो लोग लिखा करते थे। और इनकी जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक थी, ठीक है। और इसका सिंधु सभ्यता का विनाश का मुख्यतः कारण जो है वो बाढ़ को माना जाता है। किस चीज़ को माना जाता है, बाढ़ को। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन में है धौलावीरा, सूरत कोटा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर है सूरत कोटा। यहाँ से जो है घोड़े के अस्थि पंजर पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द ग्रेट बाथ फाउंड? बृहत स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है कालीबंगन, लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। फ्रेंड जो ग्रेट बाथ है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, और यह सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत जो होती है वो ग्रेट बाथ ही होती है। आइए हम देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो से और क्या क्या प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो से जो है वो नर्तकी का कांस्य मूर्ति जो है वो यहीं से प्राप्त होता है, और जो है वो तीन मुख वाले देवता पशुपति की मूर्ति भी यहीं से मिलती है। तीन मुख वाले देवता पशुपति की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से ही मिलती है। अदर ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। कालीबंगन, जोते हुए खेत का जो साक्ष्य है वो हमको सबसे पहले कहाँ से मिलता है, कालीबंगन से ही मिलता है। और डेकोरेटेड ईंट जो है वो भी हमको कहाँ से मिलते हैं, यहीं से मिलते हैं, कालीबंगन से ही। और क्या है, अग्नि कुंड भी जो है वो भी यहीं से मिलता है। लोथल, लोथल से जो है वो चावल के दाने जो है वो लोथल से मिलते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द वैदिक पीरियड डिवाइडेड? वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में हुआ था? फ्रेंड्स वैदिक काल का जो विभाजन है वो दो भागों में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है दो। दो कौन कौन भाग थे, ऋग्वैदिक काल जो कि कितना से कितना था, 1500 to 1000 BC जो था वो ऋग्वैदिक काल का समय था, और दूसरा जो था वो था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल ये कब से कब तक था, 1000 से 600 BC तक जो था वो उत्तर वैदिक काल था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसीडर्ड बाई मैक्स मूलर टू बी द ओरिजिनल एबोड ऑफ दी आर्यंस? मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसे माना है? ऑप्शन में है दक्षिणी एशिया, मध्य एशिया और पूर्व एशिया। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान जो है वो मध्य एशिया को बताया है। आर्यों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देख लेते हैं। आर्य जो थे उनके जो निर्मित सभ्यता थी उनको है वैदिक सभ्यता बोला जाता है। कौन सी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। इनका भाषा क्या हुआ करता था, इनका भाषा जो था वो संस्कृत हुआ करता था। इनका समाज जो था वो किस तरह का था, पितृ प्रधान था, जबकि सिंधु सभ्यता में किस तरह का समाज था, मातृ प्रधान था। और इनका मुख्य पेय पदार्थ जो था वो क्या था, सोमरस था। और मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन और कृषि। ये सब आर्यों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप इन्हें देख लेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज वर्शिप्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु सभ्यता में किसकी पूजा की जाती थी? ऑप्शन है धरती की, वृक्ष पूजा, शिव पूजा और इनमें से सभी। फ्रेंड्स जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। किसकी देवी, उर्वरता की देवी। और ये लोग वृक्ष की भी पूजा करते थे और शिव की भी पूजा करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर, इनमें से सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन वैदिक सिविलाइजेशन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट एडवाइसेस द किंग? वैदिक सभ्यता में राजा को सलाह देने वाली संस्था क्या कहलाती थी? ऑप्शन में है सभा, समिति, वन और टू दोनों, और इनमें से कोई नहीं। राजा को सलाह देने वाली जो संस्था थी वो सभा और समिति दोनों थी, यानी कि वन और टू दोनों। सभा जो थी वो श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी और समिति जो थी वो सामान्य लोगों की संस्था थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर टू बी द फाउंडर ऑफ सांख्य फिलोसफी? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन में क्या है? गौतम, पतंजलि, कपिल और जैमिनी। एक एक करके पहले अपने सारे ऑप्शंस को हम डिस्कस करते हैं। गौतम, गौतम को जो है वो न्याय दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। किस चीज़ का? न्याय दर्शन का। पतंजलि, पतंजलि को किस चीज़ का माना जाता है प्रवर्तक? योग दर्शन का। और जैमिनी जो है इनको पूर्व मीमांसा इसका प्रवर्तक माना जाता है, और कपिल को सांख्य दर्शन का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? कपिल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्यों के प्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन क्या क्या है? सूर्य, अग्नि, इंद्र, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आर्यों के जो प्रिय देवता थे वो इंद्र थे। ऐसे तो वो पूजा अग्नि की भी किया करते थे, लेकिन उनके फेवरेट देवता इंद्र थे। इंद्र को वो युद्ध का नेता भी मानते थे और वर्षा के देवता भी मानते थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र किस नदी को माना जाता है? महत्वपूर्ण और पवित्र, ऑप्शन में है गंगा, यमुना, सरस्वती और सिंधु। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर है सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी माना गया है। हम अपने अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, गंगा, यमुना और सिंधु। ऋग्वेद में जो है गंगा का उल्लेख जो है एक बार मिलता है। कितने बार? एक बार। और यमुना इसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में 3 बार मिलता है। सबसे अधिक बार जो है उल्लेख जो है सिंधु नदी का मिलता है, परंतु सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण सरस्वती को माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सरस्वती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ रिवर रावी? रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शंस में क्या क्या है? वितस्तता, सदानीरा, परुषनी और शतुद्री। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा परुषनी। रावी नदी का प्राचीन नाम परुषनी था। अदर ऑप्शंस को भी देखते हैं, वितस्ता, वितस्ता जो है वो झेलम नदी का प्राचीन नाम है। किस नदी का? झेलम नदी का। सदानीरा जो है वो गंडक नदी का प्राचीन नाम है। सतुद्री, सतुद्री जो है वो सतलज का प्राचीन नाम है। सतलज नदी का जो है वो प्राचीन नाम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज वर्णा सिस्टम डिटरमाइंड इन द लेटर वैदिक पीरियड? उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसे निर्धारित होती थी? ऑप्शन है व्यवसाय के आधार पे, जन्म के आधार पे और वन और टू दोनों, और इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, जो उत्तर वैदिक काल था इसमें जो वर्ण जो थे वो जन्म के आधार पे डिसाइड होते थे। किस चीज़ पे? जन्म के आधार पे। तो 16 का हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन टू, जन्म के आधार पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से ली गई है? ऑप्शन में है कठोपनिषद, छंदोग्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर है मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते जो है इसी उपनिषद से ली गई थी। और उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 108। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। हाउ मेनी इपिक्स आर देयर? महाकाव्य की संख्या कितनी है? ऑप्शन में है 3, 2, 6, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, महाकाव्य जो हैं वो दो हैं। कौन कौन से? महाभारत और रामायण। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता। ओके,
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इंटू हाउ मेनी जनपदा वाज इंडिया डिवाइडेड बिफोर द बर्थ ऑफ बुधा। बुध के जन्म के पूर्व भारत कितने जनपदों में बटा था। इसका करेक्ट आंसर है 16। बुध के जन्म पूर्व जो भारत है वो 16 जनपद में बटा हुआ था। और ये 16 महाजनपद कौन कौन थे? अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्जी, कोशल, अवंती, मल, पंचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अस्मक और गांधार। आप एक बार इन 16 महाजनपद जो थे उनका आप नाम एक बार देख लेंगे अच्छे से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शंस क्या क्या हैं? चंपा, गिरिव्रज और राजगिरी, वैशाली और श्रावस्ती। एक एक करके अपने सारे ऑप्शन को देखते हैं। चंपा, चंपा जो थी वो किसकी राजधानी थी? अंग महाजनपद की राजधानी जो थी वो चंपा थी। और चंपा का प्रेजेंट लोकेशन कहाँ है? भागलपुर और मुंगेर बिहार के एरिया में पड़ते हैं। गिरिव्रज, गिरिव्रज जो है वो किस महाजनपद की राजधानी थी? ये मगध की, मगध महाजनपद की राजधानी थी। वैशाली, वैशाली जो थी वो किस महाजनपद की राजधानी थी? वैशाली जो थी वो वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। श्रावस्ती, श्रावस्ती जो थी वो कोसल महाजनपद की राजधानी थी। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे जितना मैंने बताया है। तो हमारे वीडियो की एंडिंग यही होती है। आप सबों के लिए एक क्वेश्चन भी है, आर्यो के प्रशासनिक इकाई जो थे वो कितने भागों में बटे थे। आप उनका नाम बताएंगे और जितने भाग थे उनके प्रमुख का को क्या कहते थे आप वो भी बताएंगे। ओके, थैंक यू।